अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ अफ़गानी पुलाव की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत लाजवाब लगता है। आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो बनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफ़गानी पुलाव बनाना। यहाँ पे हमने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है 2 छोटा चम्मच, स्याह ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, दालचीनी का टुकड़ा 2, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 छोटी इलायची। अब हम इन मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे और फ्लेम को लो रखना है। जैसे हमारे मसाले रोस्ट हो जाएंगे हम इसे निकाल लेते हैं बाहर और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। यहाँ पे हमने गैस पे पतीला रख दिया है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल। अब इसमें डालेंगे 3 बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो हमने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डाल लेंगे ब्लैक किशमिश। अब इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक इसमें चलाएंगे। जब ये किशमिश फूल जाएगा तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और फ्लेम को लो रखना है। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने किशमिश को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे लंबे स्लाइस में कटा हुआ गाजर। इसको भी बहुत देर तक नहीं भूनना है, 1 से 1.5 मिनट तक ही चलाएंगे। हमने इसमें चीनी डाल दिया है 1 छोटा चम्मच, ताकि गाजर जो है हल्का सा कैरमलाइज हो जाए। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा है, तो इसे भी हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसी घी में हम डालेंगे 2 से 3 तेज़पत्ता और इसमें डाल देंगे 200 ग्राम के करीब प्याज बारीक कटा हुआ। इसको भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जैसे हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हमने 1/2 kg चिकन लिया है तो हमने सारा चिकन इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक डालेंगे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालने के बाद हम चिकन को 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे और फ्लेम को लो रखना है। जैसे हमारा चिकन भून जाएगा थोड़ा सा हम इसमें हमने जो पाउडर मसाला बनाया था 1/2 ऐड कर देंगे। 1/2 हम चावल के साथ डालेंगे। तो मसाला डालने के बाद फिर हम इसमें 2 हरी मिर्च डाल देते हैं और इसको डालने के बाद हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक फिर दोबारा से भून लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन जो है बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हमने इसमें 2 बड़ा टमाटर भी काट कर डाल दिया है और टमाटर डालने के बाद भी हम 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1.5 लीटर पानी डालेंगे। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 40 से 45 मिनट तक और फ्लेम को लो रखना है। अब 40 से 45 मिनट हो चुका है। अब देख सकते हैं हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से गल चुका है। तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। हमने पहले से धोकर रखा था, 1 घंटा पहले हमने सोख कर लिया था। हमने चावल डाल दिया। अब थोड़ा सा इसमें और पानी डालेंगे। अब हम डाल देंगे 1 बादियान का फूल खुशबू के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बचा हुआ मसाला जो हमने रखा था। इसको मिला देंगे बहुत अच्छे से। अब थोड़ा सा और नमक डालेंगे इसमें। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम पतीले को ढक देते हैं। ढकने के बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे जब तक ये बॉयल ना आ जाए। अब बॉयल आने के बाद हम लो कर देंगे फ्लेम को 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट हो चुका है, देखिए हमारा चावल जो है 80% कुक हो चुका है। तो उसमें हम किशमिश और गाजर ऊपर से ऐड कर देते हैं। अब डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच देसी घी। अब हम ढक देते हैं इसे 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि हमारा अफगानी पुलाव बन के रेडी हो चुका है और चावल भी बहुत खिले खिले दिख रहे हैं। तो आपने देखा कितना इजी है अफगानी पुलाव बनाना। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। और आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने का। और आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लें। प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।